अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है इब्रा और आप देख रहे हैं आप सबका चैनल टेक्निकल इब्रा। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस मसले को लेकर उस पर हम बात करेंगे, जो हमने आपने रिसेंटली देखा होगा किसी यूट्यूब पर या पेजेस पर, राबी परजादा के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जो उनकी दो तीन वीडियोज हैं जो वो लीक हुई हैं, वो कैसे हुई हैं, और इसमें मैं आज आपको सेफ्टी टिप्स में सेफ्टी चीजें भी बताऊंगा और आपको किस किस चीजों से मना भी करूंगा। अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं तो आप उसको मत ओपन करें, मत इंस्टॉल करिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही नॉलेजेबल है, आपको उसमें से बहुत सी नॉलेज मिलेगी और आज हम इस पर भी बात करेंगे। चलो दोस्तों, हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है दोस्तों, जो आपने सोशल मीडिया के जो मीम्स वाले, फेसबुक के जो मीम्स वाले ग्रुप है, उसमें यार दोस्तों आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी लाजमन। ठीक है दोस्तों, वीडियो इतनी कोई गंदी नहीं है, मगर किसी के पास वीडियो है तो मगर वो आके किसी को फॉरवर्ड करता है, तो ये दोस्तों गलत बात है। तो दोस्तों, अभी राबिया में जो राबिया पीरजादा ने FIA और PTI उनको बोला है, जितने भी हमारे जो सोशल पेपर सोशल मीडिया पे मेरी पिक्चर हैं उसको डिलीट कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, वो तो डिलीट हो जाएंगी, मगर दोस्तों हमारे पास जो सेव है, आपके पास, लोगों के पास एक दो वीडियो दोस्तों वो डिलीट नहीं होगी। दोस्तों आपने देख ली तो कोई मसला नहीं है, मगर देख ली तो कोई मसला नहीं है, मगर दोस्तों उसको फॉरवर्ड करना, उसको लोगों के पास पे देना, लिंक भेजनी या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए उसको वायरल करना, दोस्तों ये गंदी बात है, किसी की ऐसे वीडियो हम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो अभी होता क्या है कि मीन्स वो क्या बोलती है कि ये वीडियो हमारी कैसे वायरल हुई है, अभी उस पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनसे पूछा गया कैसे, उनके मुताबिक कहना है कि मैंने एक आईफोन लिया था किसी शॉप से, ठीक है, उसको मैंने दो तीन साल चलाया, तो उसके दो तीन साल मीन्स चलाया, उसके बाद मैंने उसको रिपेयर के लिए उनके पास भेजा, तो उनमें से किसी ने वो मेरी वीडियो वायरल कर दी। तो दोस्तों, अभी बंदा राबिया से ये सवाल पूछे कि भाई आपको जरूरत क्या थी ऐसी वीडियो बनाने की, जो आप नहा रहे हैं ये वो अपना दिखा रहे हैं कि ये जरूरत क्या थी ऐसी वीडियो बनाने की जो आपने बनाई, अभी आप बोल रहे हैं वो मेरी वीडियो लीक हो गई है। तो दोस्तों, वे उनका मसला है, उन्होंने क्यों बनाई ये बनाई, मगर दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसी अगर उसको लिंक को शेयर करना, ये करना, वो करना, तो फिर ये गलत बात है, किसी की इज्जत को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी आते हैं हम सेफ्टी टिप्स पर, हम इस पे सेफ कैसे रह सके। तो दोस्तों, एक्चुअली मीन्स क्या होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं, ठीक है, उसको एक साल दो साल चलाते हैं, तो उसको और उसके बाद आपका जब उसका दिल भर जाता है, बोलते भाई हम अभी न्यू ब्रांड पे हैं, एक लेवल ऊपर जाए, तो आप उसको बहुत बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसी शॉप पे चल के बेच देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जब शॉप पे बेचने जाते हैं, उससे पहले आप उस मोबाइल को करते हो रिस्टोर। दोस्तों आप सिर्फ करते हो सिर्फ एक दफा रिस्टोर। एक दफा रिस्टोर करने से यार कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपकी डिलीट नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में से उसको हम रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, गंदे लोग, जो ये काम करते हैं कि फॉर किसके मोबाइल आता है तो उसके वो डेटा निकाल के उसके लिए हार्मफुल बनाते हैं। मगर दोस्तों, आज मैं इसको आपको बताऊंगा, आप बोलेंगे भाई हम कैसे सेफ रखें, क्या ऐसा करें जो वो हमारी चीजें मीन्स ना देख पाए। ठीक है दोस्तों, आपने करना क्या है, जैसे आप एक एंड्रॉयड मोबाइल बेचने जा रहे हैं, तो आपने करना क्या है, एक नहीं दो या तीन दफा उसको आपने कर लेना है रिस्टोर। तो दोस्तों, एक दफा आप रिस्टोर करेंगे तो आपकी कुछ ऐसी फाइलें होंगी जो आप उसमें रह जाएंगी, वो अनइंस्टॉल मीन्स वो मीन्स अच्छी नमूने अच्छी तरह से डिलीट नहीं होंगी। अगर आपको ये डिलीट करनी है तो आपने करना क्या, एक दफा उसको रिस्टोर कर दिया, उसके बाद आपने गूगल पे या किसी भी चीज से डाउनलोड अपना मोबाइल के अंदर पिक्स वीडियोज बहुत सी से डाउनलोड कर ले, फालतू वीडियोस पिक्स आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जब देखो आपकी मेमोरी थोड़ी सी फुल होगी, उसके बाद आपने उसको कर देना है दोबारा रिस्टोर। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसी फाइलें होती है जो मीन्स आपके रिकवर हो सकती है, वो नहीं होंगी। तो मगर कोई कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, जो मीन्स बहुत ही रिकवर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रिकवर कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, एक दफा मीन्स एक ऐसे करके फिर रिस्टोर करके फिर आपने आ जाना है, फिर आपने बहुत सी वीडियो पिक्चरें करके आपने दो तीन चार दफा ऐसे रिस्टोर कर देना है, इससे आपका मोबाइल हो जाएगा सेव। स्पेशली दोस्तों, अगर किसी फीमेल का है, दोस्तों अपने फीमेल का होगा तो लाजमी उन्होंने पिक्चर ली होंगी, मैं शादी पिक्चर भी ली होंगी, तो आपको ये स्पेशली करना है। अगर आपके किसी फीमेल का या किसी रिश्तेदारों में से किसी फीमेल का है, तो उसका बॉयज का क्या, बॉयज का तो इतना नहीं होगा, कम से कम आपने रिसर्च की होगी, किसी गूगल पे सर्च किया होगा,
तो उसको इस पे कोई इश्यू नहीं बन सकता। मगर अगर फीमेल चाहे तो आपको ये लाजमन ये मेथड अप्लाई करना होगा जो उसको 2-3 दफा रिप्लाई करना है, मीन्स रिस्टोर करना है। अगर दोस्तों आप उसको रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं तो आप खुद पास बैठ कर आपने उसको रिपेयर कराना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा ना हो कि मीन्स वो भी मीन्स ऐसे होते हैं लोग बहुत मार्केट में आपको मिलेंगे तो आपने रिपेयर के लिए भी जाना है, वहां पास बैठ के उसको रिपेयर कराना है, ये नहीं करना कि उसको देख के आपने चले जाना है, स्पेशली अगर कोई फीमेल का हो। अगर दोस्तों आप मोबाइल बेच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बोलूंगा आपने एक ट्रस्टेड आदमी को बेचना है, कोई किसी भी तरीके से आप उसको जानते हो, आपने मोबाइल उसको बेचना है। अगर नहीं है कोई ऐसा तो आपने किसी मार्केट में बेचना है तो आपने ये मेथड जरूर अप्लाई करना है। अभी हम आते हैं सेकंड टिप्स पर। तो दोस्तों मोस्टली जो व्हाट्सएप पे हमारे को ऐसी लिंक्स भेजी जाती हैं सॉफ्टवेयर की या कुछ ऐसी चीजों की जो आपकी गैलरी तक एक्सेस पा लेती हैं। अब उधर आ जाता है भाई इसको अगर आप ओपन करें तो इसका ना इंटरफेस डिस्प्ले इतना इंटरेस्टिंग होता है कि कुछ लोग बोलते हैं बस इसको ओपन करें कुछ भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। वो क्या करते हैं वो उसको गैलरी तक एक्सेस मांगता है, परमिशन मांगता है, वो उसको कर देते हैं तो उसके वो जो उसकी गैलरी में जाके वो उसकी सारी चीजें अपने सर्वर पर ले आते हैं और उसके लिए वो नुकसानदायक हो जाती है। दोस्तों इसका भी आपने ख्याल रखना है दोस्तों, मोस्टली व्हाट्सएप पे ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सी आती हैं दोस्तों जो मीन्स आपका जो गैलरी तक एक्सेस मीन्स लाकर एक्सेस लेकर आपके जितना भी गैलरी का डेटा होता है वो अपने मोबाइल अपने सर्वर पर ले जाती है, जिससे आपको भी मीन्स एक नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों एक मैंने कहीं सुना या मैंने पढ़ा था कि एक ऐसी मीन्स कंपनी है जो ये काम करती है, जो ऑफिशियल लेवल पे होते हैं जो सिंगर डांसर मीन्स जो फेमस होते हैं, फेमस ज्यादा होते हैं पार फीमेल्स या मेल्स, उनके वो ज्यादा करके ना उनके व्हाट्सएप पर उनके में सोशल मीडिया पे ऐसी लिंकें जरूर भेजते हैं जिससे वो उनका जो डेटा होता है वो चुराएं, जो उसकी गैलरी तक एक्सेस होते हैं ये मीन्स चुराएं। दोस्तों ऐसी बहुत आदमी है जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी टिप, उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों से दूर रहें, इन चीजों को अगर कोई आए तो आप उसको मत इंस्टॉल करें, कोई भी ऐसी चीज परमिशन आपकी गैलरी तक मांगे यार मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप उसी चीज को इंस्टॉल ही मत करें। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, आइए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।